जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, यूट्यूब के ओर से मेरा चैनल एक हफ्ता के लिए रोक दिया गया था, यानी स्ट्राइक कर दिया गया था। साथियों, यूट्यूब के ओर से नया गाइडलाइन आया हुआ था, जो कि पहले कुछ वीडियो जो कि मेरा एडुकेशन संबंधी चैनल है उसके थोड़ा हट के एक आध दो वीडियो चला गया था पहले का। तो साथियों, एक हफ्ता के लिए यूट्यूब ने मेरा चैनल रोक दिया था, यानी स्ट्राइक कर दिया था। तो आप साथियों, चालू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। एक हफ्ता हमको भी परेशानी पड़ा, बहुत वैकेंसी आई, BSF का एडमिट कार्ड आया और कई वैकेंसी आई जो कि मैं नहीं बता पाया साथियों। तो और साथियों बता दें, एक इमरजेंसी में एक और चैनल नया है, उसका नाम है वंशिका फाइंड जॉब वैकेंसी। तो साथियों, आप लोग को बता दें, MES में वैकेंसी निकली हुई है। MES का मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो साथियों, आप लोग का पोस्ट का नाम बता दें, डस्टमैन, सुपरवाइजर और साथियों स्टोर कीपर, चौकीदार, अन्य वैकेंसियाँ निकली हुई है, अन्य पोस्ट पर वैकेंसियाँ निकली हुई है। तो साथियों, ये शॉर्ट नोटिस आया था, आप लोग को बता रहे हैं। जैसे फुल नोटिस आ जाएगा, आगे हम आप लोग को तुरंत इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। साथियों, टोटल वैकेंसी जो आएगी आएगा 4500 प्लस आएगा, और आप लोग का ऑनलाइन जो डेट है अभी निर्धारित नहीं है। जैसे ही ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो जाएगा साथियों, तुरंत इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता क्या मांगा गया है साथियों, तो ड्रस्टमैन में 3 ईयर्स का डिप्लोमा यानी 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है। 1 ईयर्स एक्सपीरियंस यानी 1 साल का अनुभव मांगा गया है, जो कि ऑटो कार्ड एक्सेल प्रिंटर का अनुभव होना चाहिए, लेमिनेशन मशीन का अनुभव होना चाहिए। और साथियों, स्टोर कीपर में 10वीं पास चलेगा, 10वीं पास है तो भी कैंडिडेट स्टोर कीपर में आवेदन कर सकते हैं। चौकीदार में 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों, कैनमैन में 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और साथियों, मेटर रेडर में 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों, मैट ASCSK में 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज काउंट की बात करें साथियों, तो जनरल का 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, OBC 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ST/ST के कैंडिडेट 18 से 32 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों, बताना चाहता हूँ, इसका जो रिटर्न एग्जाम होगा ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है। पोस्ट, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है ये भी बता दें। डस्टमैन में 77 वैकेंसी है, सुपरवाइजर में 1 वैकेंसी है साथियों, स्टोर कीपर में 23 वैकेंसी है, CMD OG में 145 वैकेंसी है, चौकीदार में 1 वैकेंसी है साथियों, कैनमैन में 1 वैकेंसी है, मेटा रेडर में 19 वैकेंसी है, मैट SSK में 4454 वैकेंसी है साथियों। और साथियों, आप लोग को बता दें, एग्जामिनेशन शुल्क जो इसमें लगा है फ्री रहेगा, किसी भी या कोई भी कैटेगरी से कैंडिडेट आते हैं उनका फीस नहीं लगेगा। और साथियों बता दें, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बता दें। पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर साथियों मेडिकल जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा साथियों। तो ये शॉर्ट नोटिस आया हुआ था साथियों, और जैसे फुल नोटिस आ जाएगा, कब ऑनलाइन होगा, कब ऑनलाइन, कब लास्ट डेट है, जल्दी हम इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा साथियों। तो एक हफ्ता के लिए साथियों हमारा चैनल रुका हुआ था, जो कि हमें भी बहुत दुख हुआ,
और साथियों आप तक जो भी वैकेंसी आया वो आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग को नहीं पता चला, क्योंकि यूट्यूब चैनल हमारा मतलब रोक दिया था साथियों। तो अब चालू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वैकेंसी आएगा इस चैनल के माध्यम से तुरंत आप लोग को पता चलेगा साथियों। तो वंशिका आलजाद हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करो साथियों और आल पर क्लिक करो ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले साथियों। और साथियों बता देना चाहता हूँ, बीएसएफ का एडमिट कार्ड, बीएसएफ ट्रेडमैन का जो कैंडिडेट आवेदन किए थे, एडमिट कार्ड आ रहा है। अपना एडमिट कार्ड निकालिए साथियों और फिजिकल दीजिए, जैसे उसका और कोई प्रोसेस होगा तुरंत ही इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। धन्यवाद साथियों।